Hi, I am Asa Sheikh and you are watching P20 Mold. Make sure you subscribe for plastic injection molding, mold design, lecture and tips. तो ये हमारा 6 का हो चुका है, मेरा सब पैरामेट्रिक है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट 6 के इजेक्टर पिन का जो कॉलर होता है उसका साइज डिफरेंट होता है, ठीक है। जो कॉलर होगा ये हमारे 5 के पेज तक का जो कॉलर की हाइट होती है वो 3 mm होती है, लेकिन जैसे ही हम 6 mm में जाते हैं तो उसकी 3 के बाद ये 5 हो जाती है, ठीक है। और जो 6 का पिन है उसमें जो कॉलर का डाया होता है वो 12 होता है, तो मैं परफेक्ट 3 mm लूंगा तो 3 3 6 6 6 12 हो जाएगा। हमारा हो गया। अब हमने जो यहाँ पे कट किया था इसको यहाँ पर 0 0 कट हो जा रहा है, क्यों? मैंने 2.5 mm रखा था एग्जैक्टली, तो ये एग्जैक्ट पिन के करीब आ जा रहा है, तो मैं इसको भी 0.5 शिफ्ट कर दूंगा 0.5 to 1 mm। साइड कर देता हूँ पहले, ये जो मैंने ट्रिम किया था ये बहुत नजदीक आ जा रहा है पिन के। ये स्केच है स्प्लिट से पहले का, जैसे स्प्लिट की जगह फोल्ड कर दूंगा। मुझे डी लॉक इतना ज्यादा भी नहीं करना है कि मेरा पिन वीक हो जाए, ओके। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ शायद ही आपको 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद समझ में आए, सीखने के लिए मिलेगी, लेकिन आपको मैं पूरा यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मोल्ड डिजाइन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको पूरा असेंबली सिखा रहा हूँ, कैसे क्या मशीनिंग होता है, ये सब चीज़ें आपको शॉप फ्लोर पर रहकर सीखना पड़ता है, लेकिन मैं आपको यहीं पर प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल मिलेंगे जो आपको मोल्ड डिजाइन सिखाते होंगे, लेकिन कोई भी कंप्लीट मोल्ड डिजाइन नहीं सिखाएगा, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखा रहा हूँ। और जो शॉप फ्लोर नॉलेज है वो भी कोई नहीं देगा आपको कि ये किस तरीके से मशीनिंग होगा, मशीनिंग का एक्सट्रीमिटीज क्या होती है, ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ओके। यहाँ पे भी एफ डाल देते हैं, आपको हर वीडियो में हर मिनट में कुछ ना कुछ चीजें सीखने के लिए मिलती रहेगी, तो कॉन्सेंट्रेट करके देखिए वीडियो को और पूरा देखिए। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बोरिंग फील हो, इसलिए मैं जो क्लिप सेक्शन रख रहा हूँ वो ज्यादा नहीं रख रहा हूँ। ये स्टडी लेक्चर है, ये कोई मूवी नहीं है जो 3 घंटा हम कंटिन्यू बैठ के देख सकें। कंप्लीट कर लिए इसमें, ठीक है, ये हो गया। मैंने आपको जो जो चीजें इसमें बताई है वो चीजें पॉइंट आउट लिख कर रख लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि निप्पल का बताया था, वायर कट का बताया था, ईडीएम ड्रिलिंग का बताया था, ईडीएम स्पार्किंग का बताया था, वो सब चीजें आप नोट कर लीजिएगा। मटेरियल का बताया था, कोर कैविटी में P20 हाई हार्ड यूज करेंगे, ठीक है। P20 मटेरियल जो होता है वो प्री हार्डेंड होता है, वो ऑलरेडी हार्डेंड हुआ रहता है, और इसका HRC अराउंड 35 to 36 HRC होता है, ओके। और जो हमारा मोल्ड बेस होगा, बाकी की जो प्लेट्स वगैरह है वो हम कौन से यूज करेंगे, आइदर C45 और MS, ओके। इट्स डिपेंड ऑन क्लाइंट डिमांड, ओके। क्लाइंट अगर आपको अच्छा पे कर रहा है तो आप C45 यूज कीजिए, एल्स आप MS भी यूज कर सकते हैं, ओके। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका आपको ब्लेंड भी शेयर कर दूंगा कि मैंने कौन सा मटेरियल मंगाया है कौन से पार्ट्स के लिए, तो आप कमेंट कर दीजिए तो मैं इसका ब्लेंड भी शेयर कर दूंगा, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ब्लेंड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है एक्सेल में। बस एक चीज़ बाकी थी, वो था हमारा रनर रिजेक्शन। जैसे हमें आर्टिकल को इजेक्ट करने के लिए इजेक्टर पिन्स डालिए,
उसी तरह रनर को भी इजेक्ट करने के लिए हमें इजेक्टर पिन जाननी होगी। मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। ये जो स्प्रू रनर होता है, ये स्प्रू रनर हमारा दो साइड होता है, एक फिक्स्ड हाफ होता है, एक मूविंग हाफ होता है। जो हमारा कोर हाफ होता है वो क्या होता है, मूविंग हाफ होता है। ओके, ये क्या होता है, ये पीछे जाता है, मशीन का रैम इसे क्या करता है, पीछे लेके जाता है। तो जब ये पीछे लेके जाता है तो जो हमारा ये रनर है, जो स्प्रू रनर है, तो वो स्प्रू में नहीं रहना चाहिए, वो किस तरफ आना चाहिए, कोर हाफ में आना चाहिए। ये जो रनर है उसके साथ स्प्रू रनर निकल कर यहाँ फिक्स हाफ की तरफ आना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा ना, अगर यहाँ पे इसने टाइटली ग्रिप कर लिया, जो स्प्रू रनर है, अगर स्प्रू बुश में टाइटली ग्रिप हो गया, स्टक हो गया, तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये जो गेट है ना, गेट पॉइंट, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा आर्टिकल के साथ, मतलब गेट अलग हो जाएगा आर्टिकल से, और जो रनर है ना वो कैविटी साइड ही रह जाएगा। फिर ये हमारा क्या होगा, सेकेंड शॉट में फीलिंग होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से रनर रहेगा। समझ में? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो स्प्रू रनर है उसको खींच के किस तरफ लाना होता है, कोर साइड लाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक अंडरकट फॉर्म करना होता है कोर प्लेट में। वो अंडरकट फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, इधर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इधर पकड़ लेगा और इधर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब अंडरकट है इधर रनर में, तो क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमें कुछ पुश करना पड़ेगा, तो पुश करने के लिए हम क्या करते हैं, इजेक्टर पिन यूज़ करते हैं। तो ऐसे तो समझेगा नहीं, मैं बना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा स्लो हो गया प्रोसेस। स्केच ले लूंगा प्लेन पे, ये प्लेन पर। ओके, क्योंकि ये टेपर में, तो वहां पे नहीं लूंगा मैं। अगर मेरा रनर 6 का था तो मैं रिटर्न इजेक्टर पिन कितने का लूंगा, 5 का लूंगा। ओके, अगर 5 करेगा तो 4 का लूंगा, 1 mm कम ही लेने का, ताकि हमारे रनर एरिया के बाहर नहीं जाए। मैं इसे एक्सट्रूड कर लूंगा, मुझे अभी 2D दिखाई नहीं दे रही का है, तो मैं क्या करूंगा, जो हिस्ट्री है कमांड की, वहां से सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, ये हो गया सेलेक्ट। एक्सटेंडेड तक जाऊंगा और ये कहाँ तक करेगा, इजेक्टर प्लेट तक करेगा। ओके, इजेक्टर प्लेट तक करेगा। ओके ओके, इसको यूनाइट को रन कर दो। अब ये जो है आपका, ये कितने का है, 5 का इजेक्टर पिन है। तो 5 के इजेक्टर के पिन में कॉलर कितने का आता है, 10 mm का आता है, और हाइट कितना रहता है, थिकनेस कॉलर की जो, वो आपकी 3 mm रहेगी। स्टैंडर्ड मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। ऊपर कूलिंग हटा देता हूँ, इसको ऊपर फेस तक का करूंगा रिप्लेस, इसको भी अंटिल एक्सटेंडेड करके ले लेंगे। ठीक है, अब मैं सेम सब्ट्रैक्ट कर लूंगा सब में, और सब में रिलीफ प्रोवाइड कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम इसमें क्या करेंगे, डी कॉलर बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ये रोटेट होगा,
तो आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं। अगर ये रोटेट होगा क्योंकि टेपर है, मैंने जैसे बताया था इजेक्टर पिंस में कि मैंने डी कॉलर क्यों डाला है, जो डी लॉक डाला है वो क्यों, अगर ये रोटेट हो जाएगा तो ये अपर पार्ट इधर आ जाएगा, लोअर पार्ट उधर चला जाएगा। ओके, तो मैं इसे भी डी कॉलर बना के ले लूँगा, स्केच लेंगे। आप सी दबा के ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट ले सकते हैं, डी दबा के डायमेंशंस ले सकते हैं, शॉर्टकट की इसका जितना यूज करेंगे उतना बेटर, कैड स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। बेसे हम स्प्लिट कर लेंगे, राइट क्लिक करके सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट में जाइए, अगर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, इसे डिलीट कर देंगे, एक्स्ट्रा बॉडी है। ओके, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको रेडियस अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो शार्प कॉर्नर आएगा, बनाकर भी बताया था मैंने। सब चीजें ध्यान रखा कीजिए जब आप मोल्ड डिजाइन करते हैं। माइनर माइनर सी चीज बताएगी कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। ये मैंने सबट्रैक ऑन कर दिया है तो ये हमारा सबट्रैक हो चुका है। ओके, सबट्रैक हो चुका है, मैं पिन को हाइड करके इसमें क्लियरेंस प्रोवाइड कर दूंगा। ये फेस क्या होना चाहिए, ये बेरिंग होना चाहिए टाइट, नहीं तो अगर ये इसमें भी क्लियरेंस रहेगा तो पिन क्या होगी, इसको रोटेशन मिलेगी। जैसे इजेक्टर प्लेट बताया था मैंने, इसमें ड्रिलिंग से करेंगे तो इसमें काफी अच्छा टॉलरेंस है। फिर यहाँ पर एंट्री चैम्फर देंगे और शार्प एजेस को हटाने के लिए, ज़्यादा हो जाएगा, पॉइंट इफेक्ट कर देते हैं, पिन छोटी है इसलिए। सिमिलरली कोर प्लेट ले आएंगे, कोर प्लेट में भी मैं 25 mm छोड़ के बाकी का ऑफसेट कर दूंगा। स्टेप आगे, ये जो कोलिंग ये दिख रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कोलिंग को शिफ्ट करना होगा हमें। ठीक है, ये कोलिंग को हमें शिफ्ट करना होगा।